और इस बैच में हम लोग डायरेक्ट से इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा, हमने पढ़ा दिया। इसकी जो समस्या है आपके सामने, अगर दो एक वाक्य कठिन आ रहे हो तो उसको आप हमें टिक लगाकर व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, उसको हम हल करते रहेंगे। उसके लिए टाइमिंग है सुबह 9 बजे से, ठीक है, और इधर कंटिन्यू रखते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। अब आज हिंडालोडा सिंथेसिस ये हम पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बाद यह अगला चैप्टर है क्या, सिंथेसिस। सिंथेसिस माने क्या होता है बेटा, पहले जान। सिंथेसिस माने होता है बेटा संश्लेषण, क्या होता है संश्लेषण माने जोड़ना, ठीक है। जब आपकी तरह पाठक कक्षा 11-12 पढ़ रहे थे तो एक हेडिंग आती है एनालिसिस, बड़ा सा वाक्य दिया रहता था नहीं, और उसमें कई भाग होते थे, कौन सी क्लास है, कौन सा नियम लगा, ये सब पूछा था। आज ये नहीं, आज क्या है सिंथेसिस माने संश्लेषण, संश्लेषण माने जोड़ना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। द्वि अथवा द्वि से अधिक वाक्य होंगे उनको जोड़ करके हम एक वाक्य बना देंगे, तो इससे आपके अंदर विद्वता आ जाएगी, योग्यता हो जाए आ जाएगी, आप विद्वान कहलाओ। यानी कि जिस जो चीज आप पढ़ रहे हो या आज से जो शुरू कर रहे हैं, यही आपको योग्यता देती है, विद्वता देती है। अच्छा बताओ, अगर कक्षा एक में जब आप पढ़ रहे थे, कक्षा एक तो सिखाया गया ए बी सी डी सिखाया गया ना, हमको तो कक्षा 6 में सिखाया गया था, आपको कक्षा एक में सिखाया गया ए बी सी डी। थोड़ा आगे बढ़े तो आपको यानी कि अल्फाबेट सिखाया गया, थोड़ा आगे बढ़े तो आपको शब्द बनाना सिखाया गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, शब्द बनाना सिखाया गया। उससे जब और आगे बढ़े तो आपको वाक्य बनाना सिखाया गया, सेंटेंस बनाना सिखाया गया, ठीक है, हाई स्कूल तक सेंटेंस बनाना सिखाया गया। अब आप आ गए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या है, शिक्षा का मध्य है, इंटरमीडिएट क्या है, शिक्षा का मध्य होता है। माध्यमिक शिक्षा पर से सुना होगा ना, तो यहां पर अब आपके अंदर मेच्योरिटी आनी चाहिए, तो वह मेच्योरिटी कैसे आएगी, इसी सिंथेसिस को पर कमांड हो जाए तो आपको साहित्यिक किताबें लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोटी मोटी किताबें, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस कॉलरिज, इन लोगों ने जो किताबें लिखी, सुन कैसे लिखी, इन्हीं व्याकरण के आधार पर, क्योंकि विषय की कमांडिंग हो गई तो जैसा चाहा वैसा उन्होंने अपना विषय लिख दिया। तो आपको विद्वान बनना है तो यह जो है जो आज से पाठ शुरू होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जाओगे तो वहां पर पी क्यू आर एस करके पूछा जाता है, पूछा यही जाएगा, पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, हमारी बात सुनो ना, तो आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ जाए, कैसे विद्वान करो, जब नान नान वाक्य बोलोगे तब समाज, अरे भाषा है यार, जैसे हिंदी भाषा है वैसे अंग्रेजी भाषा है, तो हिंदी भाषा में जब कोई लच्छेदार भाषा हिंदी की बोलने लगता है तो मौज आती है सुनने में। अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ
लेकिन अगर बिल्कुल राम एक अच्छा लड़का है ऐसे बोलोगे तो थोड़ा मिलेगा राम इज ए गुड बॉय, नहीं। आई बात सुनो, जैसे आपको कक्षा 11 में एक पार्ट है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, सेंटेंस बनाया गुरु जी ने, ऑन हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द टू माइनर्स वर्किंग इन ए कोल माइन द राइटर बुकर टी वाशिंगटन हु वाज ए निग्रो बाय कास्ट डिसाइडेड टू गो टू द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन वर्जीनिया फॉर एजुकेशन। जब इस प्रकार की भाषा बोलोगे तो आपके अंदर क्या होगा, लोग अरे यार बहुत अच्छी है, यानी विषय पर कमांड हो गया। आप कक्षा 11 में पढ़ा होगा दलाइट ऑफिशियल लेंगे, देखो क्या बने बेटा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट विजिट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट विजिट ऑफ द सिटी ऑफ कपिलवस्तु प्रिंस सिद्धार्थ हु वाज द सन ऑफ सुद्योधन सा एन ओल्ड वीक एंड थिन मैन पुटिंग ऑन टॉर्न क्लॉथ लिविंग ऑन हिज स्टिक एंड क्रॉसिंग द रोड। तो ग्रामर लगे थे, अभी आपको ये गर्ल भी थी बास्केट में पढ़ाया क्या, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑन टॉर्न क्लॉथ एंड स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन द रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 इयर्स ओल्ड रिफ्यूज द ग्रेसिटी ऑफ द राइटर। तो विद्वता कैसे आई, जब आपको विषय की क्या होगी, पकड़ होगी। तो यही चीज यहां पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्य जोड़ करके हम लोग एक वाक्य बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, यह सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस में हम लोग तीन प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, नंबर एक सिंपल सेंटेंस, नंबर दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर तीन कंपाउंड सेंटेंस। ये तीन प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, चौथा हमने पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब तीन ही तीन ही होते हैं वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस माने क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य की परिभाषा जानते हो क्या होती है, बताओ नहीं ना बताएं, जिस वाक्य में केवल एक मुख्य वर्ब होती है उसी को क्या कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस। अब आपके सामने कितने वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे, दो वाक्य कम से कम दो वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे तो दो वर्ब होंगे, उन दोनों क्रियाओं को हम ऐसा जोड़ेंगे कि वर्ब एक हो जाएगी और दोनों वाक्यों का अर्थ उसी एक वाक्य में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, ठीक है। यह आप दो नंबर पार्टिकल नहीं पढ़ोगे, इसी आधार पर हम आपको पढ़ाते हैं, इसी आधार पर आपका साहित्य लिखा गया है, तो यह बहुत गहराई से लेना। अब समझो कितने वाक्य जोड़ेंगे, दो वाक्य जोड़ेंगे तो वर्ब कैट होंगे दो, लेकिन दोनों को हम ऐसा जोड़ देंगे कि वर्ब कैट हो जाएगी एट हो और दोनों वाक्यों का अर्थ उसी एक वाक्य में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है कि इसमें केवल एक ही क्या होती है, मुख्य वर्ब होती है। यह सिंपल सेंटेंस हम लोग आठ तरीके से बना सीखेंगे, कितने तरीके से, आठ तरीका, नवा नहीं है केवल आठ तरीका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने होता है जटिल वाक्य, दो वाक्य होंगे आपस में बहुत घनिष्ठता से जुड़ेंगे, जैसे देख रहे हो डस्टर है, डस्टर में दो चीजें हैं, यह प्लास्टिक और यह डस्टर, दोनों बहुत घनिष्ठता से जुड़ा है। अगर इस डस्टर को प्लास्टिक से अलग करना चाहो तो डस्टर का कुछ रेशा प्लास्टिक में लगा रहे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम कितनी वर्ब होंगी, दो। फिर हुआ क्या, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस माने होता है बेटा मिश्रित वाक्य, मिश्रण, ऐसे दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को ऐसे हम जोड़ेंगे, दोनों क्रियाएं ऐसी बनी रहेंगी और दोनों को अलग अलग करना चाहेंगे पूरा वाक्य हो जाएगा,
दोनों वाक्य में भरे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम तीन तरीके से ना सीखेंगे, कितने तरीके से? तीन तरीके से। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए चार तरीके हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8, 3, 11, 4, 15 तरीके से यह हम सेंटेंस पढ़ेंगे। अब इसी में शाखाएं भी फैलेंगे, मेरी बात सुनो ना, झट नहीं आएगा। इसलिए कहा ना कि कोई भी कंपटीशन देने जाओगे तो ये जो आज से पढ़ना शुरू किए हो, अरे यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा, वह तो सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर स्पीच को जोड़ते हो ना, बताएगा सेंटेंस हुआ कि ना? दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हो ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाया आपने वो सेंटेंस ही तो था। दो वाक्य थे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टर स्पीच, उन्होंने जोड़ दिया। वह सारी चीजें इसमें यहां पर सिखाई जाएंगी, यानी कि पूरी महाभारत है, पूरी ग्रामर यही है जो इस समय आप पढ़ने जा रहे। तो सेंटेंस माने क्या होता है? संश्लेषण, यानी कि जोड़ना, कौन रेल की लाइन जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना। इसमें हम तीन प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से सुना होगा? 8 तरीके से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने तरीके से सीखोगे? 3 तरीके से। और कंपाउंड सेंटेंस 4 तरीके से। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ेंगे क्या? सिंपल सेंटेंस 8 तरीका। यह 8ों तरीके कौन कौन से हैं पहले यह जाना जाए ना बेटा, एक जगह नोट करो। सिंपल सेंटेंस बनाने का 8 तरीका है। नंबर 1, ये बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 2, इनफिनिटिव। नंबर 3, नाउन और केस इन अपोजिशन। नंबर 4, पार्टिसिपल। नंबर 5, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। नंबर 6, एडजेक्टिव। नंबर 7, कंजंक्शन। नंबर 8, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। ये जो 8 तरीके हैं, इनसे जिन दो वाक्यों को हम लोग कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, उसी कहा जाता है क्या? सिंपल सेंटेंस। नोट करो, सिंपल सेंटेंस बनाने के ये 8 तरीके आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 2, इन्फिनिटिव। नंबर 3, नाउन आर केस इन अपोजिशन। नंबर 4, पार्टिसिपल। नंबर 5, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। नंबर 6, एडजेक्टिव। नंबर 7, कंजंक्शन। नंबर 8 है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरंड। नोट कर लिया? शुरू किया जाए, बताइए क्या पढ़ा जाए। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हेडिंग डालो, नया पन्ना होना चाहिए, बिल्कुल नए पन्ने से। अच्छा तो नोट्स बना रहे हो ना पढ़ा विषय पक्का? गुड, हेडिंग नए पन्ने से नोट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का पहला पॉइंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव माने होता है सब्जेक्टिव,
एब्सोल्यूट माने होता है पूर्णतया, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। अब लड़का प्रश्न करेगा कि गुरु जी दो वाक्य होंगे ना, उनको आपको जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। तो लड़का यह जानना चाहता है गुरु जी हम कैसे जानेंगे कि इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसी का नियम लगेगा, नाम नेटिव एस्टूट ही लगेगा, वो जानना चाहता। तो गुरु जी ने कहा था समझा करो, ये तो सब बना दे क्यों किताब को सिखा नहीं। तो लिख लो डा पहचान, यानी कि नियम कब लगेगा इसके लिए पहचान लो। पहचान क्या, इसके लिए दो शर्त हैं, जहां पर दो शर्त लागू होंगी वहीं पर यह नॉमिनेटिव एस्टूट बनेगा। पहचान के लिए शर्त नंबर एक, यदि दोनों वाक्यों, अब पढ़ाने जा रहे हैं ध्यान सुना, यदि सुन रहे हो नहीं ध्यान सुना, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, पहली शर्त है दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं हो। शर्त नंबर दो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा, संभावित परिणाम हो, संभावित परिणाम प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यानी संभावित परिणाम। पहली शर्त क्या है, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, पहली शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो, तभी नॉमिनेटिव एस्टूट लगेगा, तभी यह नियम लगेगा। तो अब लड़के ने कहा गुरु जी लठ हो क्या, उन्होंने कहा है, उसने कहा गुरु जी बताओ दोनों वाक्यों में से किस वाक्य को नॉमिनेटिव एस्टूट बनाए, किस वाक्य से नॉमिनेटिव एस्टूट बनेगी ये तो बताओ। तो लिख लो डर, तो कारण वाले वाक्य को यन्य बनाते हैं, यन्य माने नॉमिनेटिव एस्टूट, पहले शर्त क्या होगा, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा, संभावित परिणाम होगा, तभी नॉमिनेटिव एस्टूट बनेगा। तो लड़के का प्रश्न है गुरु जी किस वाक्य को हम नॉमिनेटिव एस्टूट बनाएं, तो कारण वाले वाक्य को क्या बनाओगे, नॉमिनेटिव एस्टूट, ठीक है। अब नॉमिनेटिव एस्टूट बनाने के भी तीन तरीके हैं, अब देखो शाखा बढ़ गई, अभी वार्ड था तो देखो तीन, इसमें एक ही में तीन भाग हो गए नहीं, तो इसकी स्टाइल नंबर एक हेडिंग डालो DEING, ऐसे हेडिंग डालो बीइंग, बीइंग के आगे आंखो, आगे आपको लिखना पड़ेगा यदि कारण वाला वाक्य, देखो यदि कारण जब लिख लोगे तभी सब क्लियर होगा। बीइंग के आगे लिखो, अब हाथ में कलम लिए नहीं हो, कागज कलम कागज लिख बैठो, अब हम कहां बोर्ड पे लिखें, इतना कक्षा में जैसे यार पढ़ाया जाता है उस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, तो कलम कागज आपके हाथ में होनी चाहिए ना, जाओ जल्दी जाओ, मम्मी पापा से कह जल्दी कलम कागज लो, ले आए शुरू करें। हाँ, तो बीइंग के आगे लिखो यदि कारण वाला वाक्य, यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है तो,
चलो, यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट जानते ना, अरे ये आर वाज में लिंकिंग वर्ब की तरह लगती है, लिंकिंग वर्ब की तरह, ये जो एम आर वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह लगती है तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट। नोट कर लिया? तो क्या कर देंगे, तो ये देखो लिखा है बीइंग कर देंगे, क्या कर देंगे बीइंग। आप शुरू कर दिया रोड सुख रहे, जल्दी आना नहीं आएगा, सिखा रहे द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था, द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइस। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइस। पहले सर, पहले सर, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक ना, यहां पर कर्ता क्या है द टीचर और यहां पर कर्ता है द बॉयज, यानी दोनों के कर्ता आपस में एक नहीं। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होना चाहिए, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अध्यापक अनुपस्थित थे तो संभव है कि लड़के क्या करेंगे, हराम करा करेंगे, शोरगुल करेंगे, है? तो परिणाम क्या हुआ, लड़कों ने कक्षा में सुन था द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइस। तो बताइए कारण कौन, बोलो, अध्यापक का अनुपस्थित होना, यही तो कारण है। अब बताइए कारण वाला भाग, तो कारण वाले भाग को नाम लेते सुनोगे तो कारण वाला भाग क्या हुआ। अब कारण वाला भाग सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में, तो चाहे सिंपल प्रेजेंट हो और चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब होगी क्या होगी, इज एम आर वाज वर्ब। कहीं आपको पढ़ाएगा टेंस में याद करो, अरे यार जब पढ़ाना शुरू किया था उसके बाद लॉकडाउन लगा था ना, पढ़ा था ना, पढ़ा किसी से पूछा कि इज में एंगी लगाओ तो पार्टिक्स नहीं पढ़े तो कहेगा इजिंग, तो आपको पढ़ा चुके इज में एंगी बींग, एम में एंगी बींग, आर में एंगी बींग, वाज में एंगी बींग, वर्ब में एंगी बींग, क्योंकि एंगी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखती है, तो वाज की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है बी, तो इसकी जो वाज है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बी, बी में लगा दो क्या एंगी, अब इसको काट, ठीक है, यहां पर कामा लगाना, अब यहां से वाक्य पढ़ो प्रीमियम, यहां से पढ़ना द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइस। एक मास्टर साहब हमारे साथ पढ़ाते थे, एक दिन सभी अध्यापक बैठे थे तो उन्होंने कहा सर जी हम पढ़ाते तो हैं लेकिन हमको इसका अर्थ कैसे निकाला जाता है ये नहीं मालूम। हमने कहा यार उसको पढ़ के आया करो, नहीं आता है किसी से पूछ लो। अरे भाई जो चीज नहीं आ रही उसको पूछने में बुराई नहीं है, तो वो बेचारे सज्जन थे वो पूछे हमसे कि सर जिसका अर्थ क्या हुआ, तो हमने बताया कि देखो यार तुम लोग अध्यापक के अनुपस्थित होने से लड़कों ने बहुत ज्यादा शोर किया, अध्यापक के अनुपस्थित होने से कारण बताता है ना, कारण देखो ना संभाल परिणाम है तो कारण यही होगा, तो कारण वाले वाक्य अध्यापक के अनुपस्थित होने से लड़कों ने बहुत ज्यादा शोर किया, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है, आप इसको बाद में ले सकते हो, जब आज नेट इलाट ऑफ नाइस द टीचर बीइंग एब्सेंट तब ही सही है, चाहे पहले लगाओ द टीचर बीइंग एब्सेंट जब आज नेट इलाट ऑफ नाइस, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ वाक्य सही है पक्का, लेकिन बीच में कामा लगाना पड़ेगा, इनके दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा कामा, पक्का समझ गए बेटा ना, इसे कहा बेटा द मैच वाज ओवर,
द विजिटर्स वेंट बैक देयर होम। पहली सर दो वाक्य में दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में थे क्या? मैच समाप्त हो गया, दर्शक गण अपने घर वापस गए, तो दोनों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है। पहली शर्त लागू हो गई। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम चाहिए। तो मैच समाप्त हो गया तो क्या दर्शक गण वहां मैदान में भावरी भाटा का आयोजन किए हैं? घर जाएंगे तो संभव है कि सभी कहां जाएंगे? घर जाएंगे। दर्शक गण कहां जाएंगे? घर जाएंगे। तो बताइए कारण कौन? कारण है मैच का ओवर होना। मैच खत्म ना हुआ होता तो जाते, मैच ओवर होगा यही कारण है। अब कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है? उसकी जो वर्ब है इज एम आर वाज वर होगी। इज एम आर वाज वर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। बी में लगा दो क्या? आई एनजी पढ़ा चुके सब। यहां पर लगाना कामा प्रॉपर्टी है। द मैच बीइंग ओवर द विजिटर्स वेंट बैक देयर। कोई कठिन होता पक्का समझ गया कसम से? इसे कहा गया इट वॉज ए हॉट डे। दूसरा वाक्य वी रिमेंड एट होम। इट वॉज ए हॉट डे वी रिमेंड एट होम। पहले सर दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं? नहीं। गर्मी दिन गर्म था, परिणाम ये हुआ कि हम घर पर बने रहे कहीं बाहर नहीं गए, तो परिणाम ये हुआ ना। तो कारण कौन है? कारण वाला वाक्य है। अब बताइए सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट है। उसकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म बी लगा दो आई नहीं पढ़ो बन गया। इट बीइंग ए हॉट डे वी रिमेंड एट होम। दिन गर्म होने से हम घर पर बने गए। यह इट लगाया रहा नहीं तो अदरस है। It being a hard day, we remained at home. इसे कहा गया? समझा ना? सिखा? The sky is cloudy. आकाश में बादल है। दूसरा वाक्य है The rain may come today. आज बरसात हो सकती है। पहली शर्त दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं? नहीं। आकाश में बादल है तो संभव है कि बरसात हो सकती है, तो परिणाम यही है ना, संभावना संभावित परिणाम तो संभव है ना। तो कारण कौन है? आकाश में बादल का होना। आप बताइए सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बताया, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब होगी वह इज एंड आर वाज वर्ब ही होगी। उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। बी लगा दो क्या? आई जी काट देना, जांच पढ़ो। द स्काई बीइंग क्लाउडी द रेन मे कम टुडे। आकाश में बादल होने से बरसात आज हो सकती है। कोई कठिन लगा क्या? समझ आ रहा ना पक्का? इसे कहा गया द क्लास वाज ओवर। कक्षा समाप्त हो गई। द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड जैसे लोग वेंट बैक देयर होम। दो वाक्य कक्षा समाप्त हो गई, विद्यार्थी अपने घर वापस गए। पहले सर दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं? नहीं है। अरे यार यहाँ क्लास है, यहाँ स्टूडेंट है। दूसरी सर कक्षा समाप्त हो गई,
तो संभव है कि विद्यार्थी अपने घर वापस आए, कुछ नहीं जाते हुए हरामी पीस होते, अरे चौराहे वाले यार। लेकिन स्वाभाविक है सभी कहां जाएंगे, घर जाएंगे, संभव है सभी घर जाएंगे। तो कारण कौन है, क्लास वाज ओवर। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, बी लगा लो क्या आएंगे, बन गया। द क्लास बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम, कक्षा समाप्त होने से विद्यार्थी अपने घर वापस गए। अब आज एक स्टाइल समझाए हैं, अगली स्टाइल जो है हम आपको कल समझाएंगे। लेकिन सावधानी यह रहे, कलम कागज लेके बैठना आप विद्वान बन जाओ बेटा, ये हमारी पार्टी है, ठीक है। लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, अगर एक कक्षा आपने गैप किया तो फिर तो भाई आप समझो भाई, यहाँ तो आप हो रहे कि हम डांट के तुम्हारे मम्मी डैडी को शिकायत करेंगे, ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा। बहरहाल जो हम पढ़ाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये हमें विश्वास है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।